वेलकम टू माई चैनल फन फुर्जुद कुसुम। हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए चीज़ी वेज क्रेप्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और ये बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। इसको बनाएंगे हम एगलेस और इसमें यूज़ करेंगे हम चीज़ का। ये जितने सुंदर दिखने में लगते हैं उतने ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रेप्स की फिलिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर डाल दिया है मैंने 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। इसके अंदर डालेंगे अब 1 बड़ा कटा प्याज और इसको हम सॉटे कर लेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक मत भूनिएगा, इसको हमें सिर्फ सॉटे करना है ट्रांसपेरेंट होने तक। अब ऐड करते हैं हम इसके अंदर सब्जियां। तो सबसे पहले डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 1 बारीक कटी शिमला मिर्च, उसके बाद इसके अंदर जाएगा 5 से 6 बारीक कटी बीन्स। ध्यान रखिएगा बीन्स बहुत ही बारीक चॉप्ड करिएगा। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर ग्रेटेड गाजर। गाजर को यहाँ पर ग्रेट ही करना है। इसके बाद इन सबको हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि सब्जियाँ जो हैं हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब ऐड करते हैं हम इसके अंदर सॉसेस। तो इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर सेजवान चटनी और 2 बड़े चम्मच डालेंगे इसके अंदर हम टमाटो सॉस। अच्छे से हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं ताकि जो सॉसेज है सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद ऐड करेंगे हम मसाले। तो स्वाद के अनुसार अपना यहाँ पर नमक डालिएगा। इसके अंदर डालेंगे हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच ही इसमें जाएगा चाट मसाला और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच भुना जीरा। इन सबको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि जो मसाले हैं अच्छे से यहाँ पर भुन जाए। अब ऐड करेंगे हम इसके अंदर 2 बॉयल्ड आलू जो मैंने मैश कर लिए थे। उसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें क्रम्बल पनीर और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर सब्जियाँ आप अपनी पसंद की रख सकते हैं, जो भी सब्जी आपको पसंद हो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर अब हमारी फिलिंग रेडी हो गई है, तो हम गैस को ऑफ़ कर लेते हैं और फिलिंग को यहाँ पर अब ठंडा करने रख देते हैं। जब तक फिलिंग ठंडी होती है तब तक हम यहाँ पर क्रेप्स का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप मैदा, उसके अंदर डाला है 1 टीस्पून नमक, इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून दही, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हो और ज़्यादा खट्टा ना हो दही। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून तेल और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे बैटर में और इसका एक बैटर बनाएंगे हम। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दूध एक साथ ऐड मत करिएगा और दूध जो लेना है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रखिएगा तभी यूज़ करिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप दूध ऐड करिए और इसका एक यहाँ पर हमें फाइन बैटर तैयार करना है। अब करेंगे हम यहाँ पर पानी ऐड। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि पानी आपको सिर्फ 3 से 4 चम्मच लेने हैं और दूध की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा रखनी है घोल बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो बैटर है अभी हमारा काफ़ी थिक है, तो इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। तो हमें बैटर ऐसा रेडी करना है यहाँ पर जैसे हम डोसे के लिए बैटर तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पर ये बैटर हमारा एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरीके की यहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की। अब हमें यहाँ पर क्रेप्स की शीट तैयार करनी है। तो नॉनस्टिक तवे पे डाल दीजिए 3 से 4 बूंद के करीब ऑयल और टिश्यू से अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद इसके अंदर डालिए 1.5 चम्मच बैटर और जैसे हम डोसा फैलाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको फैलाना है। और यहाँ पर लो रखेंगे हम फ्लेम को और ध्यान रखिएगा जो शीट बनाएंगे आप वो बहुत ही पतली शीट बना के तैयार करनी है। उसके बाद जो हम शीट यहाँ पर सेकेंगे उसको हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेकना नहीं है, इस तरीके से हमें सेकना है हल्का हल्का और नीचे की साइड से भी इसी तरीके से हम सेकेंगे क्योंकि हमको इन्हें शैलो फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा हम इनको तवे पर नहीं सेकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक पतली शीट यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से हम अपनी दूसरी शीट भी सेक लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके से सेंटर से लीजिए और धीरे धीरे इसे फैलाते जाइए। तो बहुत ही आसानी से ये शीट बनके तैयार हो जाती है। इसी तरीके से हम सारी शीट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर सारी शीट बनके तैयार हो गई है और मैं बताती हूँ कि कितनी पतली होनी चाहिए शीट, हमारा हाथ नीचे से दिखे इतना ट्रांसपेरेंट हमें शीट को बना के तैयार करना है। क्रेप्स की फिलिंग भी एकदम रेडी है। तो चलते हैं अब हम क्रेप्स बनाने की तरफ।
अब हम क्रेप्स को पेस्ट करने के लिए एक घोल रेडी करेंगे। तो एक कटोरी में लिए हैं मैंने 2 चम्मच मैदा, उसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी। जो घोल हम यहाँ पर तैयार करेंगे वो एकदम थिक घोल होना चाहिए, बिल्कुल लिक्विड ना करें। तो धीरे धीरे पानी ऐड करके हम इस तरीके का एक थिक सा घोल बना के रेडी कर लेंगे। अब करेंगे हम यहाँ पर क्रेप्स रेडी। तो जो शीट हमने तैयार की थी उसके ठीक सेंटर में हमें फिलिंग डालनी है इस तरीके से। और जो हम फिलिंग डालेंगे वो सिर्फ 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपने ज़्यादा इसके अंदर फिलिंग भर दी तो इसके फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी जो शीट है वो बहुत ही ज़्यादा पतली है। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे हम चीज़। तो मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, आप चाहें तो जो भी आपको पसंद हो चीज़ आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे हम पराठे को रैप करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। एक साइड से उठाएंगे और दूसरी साइड से उसके ऊपर इस तरीके से दबा के थोड़ा सा पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो इसकी साइड्स हैं इनको भी हमें पेस्ट करना है। तो थोड़ा सा हम इसके जो किनारे हैं वो मोड़ेंगे और इसमें जो हमने घोल तैयार किया था मैदे का उसको लगा देंगे, ताकि इसकी अच्छे से पेस्टिंग हो जाए। और इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा दबा के अच्छे से चिपका देंगे, ताकि जब ये सेलो फ्राई हो तो ये खुले ना। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड्स को भी उसके ऊपर से इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा एक क्रेप बनके रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम सारे यहाँ पर क्रेप्स रेडी कर लेते हैं। बस 2 बातों का आपको ध्यान रखना है, एक तो क्रेप्स के अंदर ज़्यादा फिलिंग ना हो, और दूसरा जो है वो अच्छे से क्रेप्स आपस में पेस्ट हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं फन फूड्स विद कुसुम के नेम से। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो ये देखिए कितना आसान है इसको बनाना, बहुत ही टेस्टी भी होता है। जब भी आपका कुछ डिफरेंट खाने का मन हो तो तब आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे रेडी हो गए हमारे सारे क्रेप्स। तो ये लीजिए, रेडी हो गए हमारे यहाँ पर सारे क्रेप्स। तो अब हम इनको करेंगे शैलो फ्राई। तो चलते हैं हम इनको शैलो फ्राई करने की तरफ। अब शैलो फ्राई करेंगे हम क्रेप्स को। तो एक पैन में ले लिया है मैंने 4 चम्मच तेल, इसको हम गरम होने देते हैं अच्छे से। और यहाँ पर जो गैस रखेंगे आप वो रखेंगे मीडियम। तो गरम हो गया है तेल, तो इसके अंदर डालेंगे हम क्रेप्स, और एक बैच में हम सिर्फ 4 ही क्रेप्स डालेंगे। और इसको हम एक साइड तक गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। एक तरफ से ये हल्के हल्के सिक चुके हैं, तो इनको हम टर्न कर लेते हैं दूसरी साइड पर, और इसको भी हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे अच्छे से। अब दूसरी साइड टर्न कर लेते हैं हम क्रेप्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है, बहुत ही बढ़िया सिक रहे हैं क्रेप्स, क्योंकि हमने यहाँ पर गैस को मीडियम रखा है। और अब नीचे की साइड से भी इसी तरीके का कलर लाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर जो है कलर आया है क्रेप्स का। और यहाँ पर जितना बढ़िया जो है क्रेप्स सिकेंगे उतने ही ज़्यादा ये खाने में क्रिस्पी होंगे, टेस्टी होंगे। तो यहाँ पर जो क्रेप्स हैं एकदम रेडी हैं। तो इनको हम अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में सारे क्रेप्स। तो यहाँ पर ज़्यादा ऑयली ये नहीं बनते हैं, तो ये खाने में भी हेल्दी हैं। तो ये देखिए सारे जो क्रेप्स हैं हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं, और सेम इसी तरीके से हम अपने सारे बैच जो हैं रेडी कर लेंगे। बस मीडियम फ्लेम ही रखना है और तेल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना डालें। तो इसी मीडियम फ्लेम पे हमें बहुत अच्छे से क्रेप्स को सेकना है। तो यहाँ पर ये रेडी हो गए हमारे सारे चीजी वेज क्रेप्स। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इनका कलर आया है, जितना बढ़िया ये दिख रहे हैं उतने ही ये खाने में भी टेस्टी होते हैं। तो जब भी आपका कुछ डिफरेंट खाने का मन करे तभी आप इन्हें बना सकते हैं। इनको बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए। क्रेप को कट करके देखते हैं कि कितने बढ़िया क्रेप्स बने हैं हमारे। तो ये देखिए, वाओ कितने बढ़िया चीज़ी क्रेप्स बने हैं। इनको बनाइए, आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये किड्स लविंग रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि इसी तरीके की मेरी इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।